नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पीजीटी हिंदी के जो एग्ज़ाम हुआ है, एचपीएससी द्वारा लिया गया है, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पूरी आंसर की मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ लिंक मिल जाएगा। जिस बच्चे ने नहीं मैच की तो अपने प्रश्न मैच कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, और एक डाउट वाला क्वेश्चन है, वो है गदा दहाड़ रहा है, वाक्य शुद्ध करके लिखना था। तो कई बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं कि गदा रंभा रहा है, ये आएगा, और कुछ कह रहे हैं कि गदा रेंक रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी चहकते हैं, गदा जो रेंकता है, गूगल पर सर्च करके देखोगे तो गदा रेंकता ही आंसर आएगा। रंभाती गाय है, भैंस रकारती है, इस तरीके से। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो गदा रेंकता है, यही होगा। बाकी देखते हैं कि फाइनल आंसर की में क्या आंसर किया आंसर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन, जिसपे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये देखिए, हुक्म किस भाषा का शब्द है? तो हुक्म जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है हुक्म, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी अरबी नहीं दिया हुआ। तुर्की, हिंदी, उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कई बच्चों ने इसका जो आंसर किया फारसी किया है, तो इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि अरबी तो था ही नहीं, ठीक है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका 1 नंबर आपको मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी? तो एनसीईआरटी से प्रश्न है, तो जो आंसर है वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो अतीत में दबे पाम पाठ है एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में, ठीक है, तो उसमें वहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो आबादी है 85,000 बता रखी है, ठीक है, 85,000 वहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 85,000 नहीं है, पता नहीं गलती से 25 लिख दिया या किस तरीके से, तो बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं अपने हिसाब से। तो इस पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि साफ स्पष्ट शब्दों में 85,000 वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन डाउट वाला हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कम्युनिटी में जाके अपनी कैटेगरी वाइज अपने नंबर कमेंट में भी लिख सकते हैं, वहाँ पर जो मतलब कि आप उसमें वोट कर सकते हैं। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।